नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी वरुण जी, आवाज आ रही है आपको, तो आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास टाइटन है एट द रेट ऑफ 2657। 2651 हाल फिलहाल की खरीद है वरुण जी आपकी? 2657 200 शेयर है जी। आपने कब खरीदे शेयर ये? 4 नवंबर नवंबर में ही खरीदे हैं, हाल फिलहाल की खरीद है। आस्था, आपसे आपसे ही राय लेंगे टाइटन के स्टॉक को लेकर। पिछले 4-5 महीने बहुत अच्छे गुजरे हैं, 2000 रुपये के नीचे इसके भाव गए थे, वहाँ से रिकवरी दिखा के ये शेयर देखिए अब 2600-2700 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसी भाव के आसपास ही खरीद भी है। टाइटन आपको आगे की राह कैसी लग रही है? हालांकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिखाई है और स्टोर्स को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रहे हैं। आपको कितना भरोसा है कि यहाँ से और बड़ी तेज़ी दिखाएगा शेयर ये? देखिए, मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कंपनी से कि बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी एक तरह से रेजिलिएंट प्लेयर निकल के आ रहा है। इसने अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर मैं लास्ट वन ईयर की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। बैलेंस शीट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूती है। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक, क्योंकि इतना तेज़ हो गया है स्टॉक, तो थोड़ा सा ब्रीदर लेता है और वो एक कंसोलिडेट करता है, तो वो एक फेज हमें देखने को मिल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि सर को यहाँ पे कोई भी घबराने की बात है, क्योंकि एक जो बढ़िया पॉइंट ये लगता है कि इनफैक्ट इन्होंने अभी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम भी निकाली थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और वहाँ पर भी थोड़ा सा इनका कॉस्ट बढ़ा था, लेकिन ये जो स्कीम निकाली थी, मेरे को लगता है कि आगे जाते हुए तो फाइनेंशियल्स में ये स्कीम इनको बढ़िया मदद करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आगे जाते हुए हमें वहाँ कॉस्ट पे फायदा होता हुआ नजर आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट पे फ्यूचर के अंदर। सो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर है। बिल्कुल सर, आप अपनी पोजीशन में बने रहें, थोड़ा सा इम्तिहान लेगा, लेकिन मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। पहला लक्ष्य 2800 का रखिए, फिर उसके ऊपर के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। 3 महीने की समय अवधि रखी। ठीक है, टाइटन को होल्ड करने की सलाह है। सांगली से अरविंद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ बोलो सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हमारा पास प्राइम प्राज इंडस्ट्रीज है, अभी 25 शेयर है। प्राज इंडस्ट्रीज है, 25 शेयर हैं, जैसा कि हमें जानकारी दे रहे हैं। 403 के भाव है, 385 पर ये ट्रेड कर रहा है। कुणाल, आपसे राय चाहेंगे, रिकॉर्ड ऊंचाई से शेयर थोड़ा सा नीचे आया है, हालांकि दमदार रिटर्न्स दिए हैं इसने कमाकर अपने निवेशकों को, और डेट फ्री कंपनी है ये प्राज इंडस्ट्रीज। टेक्निकल्स कैसे हैं और यहां से आप किस तरह के चाल देख रहे हैं? सो अभिषेक, जनरली हमने देखा है ये सब कंपनीज में मोमेंटम जब पिक होता है तब बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें, इस काउंटर ने कुछ खास अपना परफॉर्मेंस बताया नहीं है। मैं अगर चार्ट की बात करूं तो मई 2021 में भी इसी का प्राइस 380-390 था, फिर से ऊपर 450-550 तक जाने के बाद फिर से ये काउंटर 380 तक पहुंच चुका है। सो इसमें ये मोमेंटम जो होता है वो कैप्चर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये मोमेंटम ठीक से कैप्चर कर पाते हैं तो यस, हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो इस काउंटर ने गए 4 महीनों में एक बेस कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनाया, वो है 375-380 के लेवल का। एज ऑफ नाउ ये काउंटर 385 पे चल रहा है। सो आई थिंक दिस काउंटर इज बेस्ट पॉइज्ड टू एंटर नाउ। हमें इसका स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा 370 का। अगर ये काउंटर 370 के नीचे जाता है तो हमारा व्यू शायद बेरिश होगा, बट तब तक इस काउंटर में बने रहने की सलाह बनेगी। आगे जाके हमें आई थिंक 440-450 के लेवल्स अगले 1 या 1.5 महीने में देखने मिल सकते हैं अगर ये आते हैं। ठीक है, प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू कुणाल का।